सफलता का माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट और द क्वालिटी ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं, कल हमने देखा था सफलता के चार महत्वपूर्ण सिद्धांत, आज फिर हम सफलता के सिद्धांत को देखने जा रहे हैं। सफलता के लिए साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसके बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता, वो है हार्डवर्क। आप सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जिन खोजा तीन पहिया, जिसने खोजा उसको मिल गया। मैं बौरन बैठी रही किनारे बैठ। जिसने खोजा उसको मिल गया और मैं बौरन बैठी रही किनारे पर, मैं सिर्फ किनारे पर बैठी रही। ये लाइन है और ये कहती है मित्रों, सफलता के लिए उतरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, हाथ में तलवार लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा साहब, आपके पास सीखना पड़ेगा। एक फौजी जाता है, एक सैनिक जाता है, हाथ में बंदूक लेता है तो सिर्फ बंदूक सीखना पड़ेगा उसको, किस तरह से सेट किया जाता है, और सीखने के लिए मेहनत लगता है। आज आपको ABCD आता है, बचपन में आपने कितना मेहनत किया, मम्मी ने आपको मारा, यश को मारा, हाथ बांध के रखा, लेकिन आज यश, सभी लोग आज फटाफट ABCD बोल देते हैं मित्रों। क्यों? क्योंकि मेहनत, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है अंधेरे में। जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता साहब, खुद ही टॉर्च है। आपका भी टॉर्च आपके अंदर है और आपका टॉर्च है यहाँ पर। किधर है? यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपका टॉर्च है मित्रों, यहाँ पर टॉर्च है। ऐसा एक फ़ोटो निकाल के आपको भेजना है इस तरह का, आपका टॉर्च यहाँ पर है। आपका टॉर्च किधर है? करेंगे ऐसे, हाँ ऐसे करेंगे, यहाँ पर आपका टॉर्च है, ये आपको गाइड करता रहेगा। तो मेहनत करना है साहब, मेहनत के बाद आता है, हमने देखा था बर्निंग डिज़ायर। आज मेहनत के साथ साथ पॉजिटिव सोच, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव सोच नहीं रहेगा ना साहब, रोज़ हमारे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नज़रिए की है बात। हमारा पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है साहब। कई लोग होते हैं ना, कई बार लोग रास्ते इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उनमें गलत गलत बातें आ जाती है, गलत गलत भावनाएँ आ जाती है, उनके अंदर डर आ जाता है। इसलिए डर को दूर कीजिएगा, क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है। डर के आगे जीत है मित्रों। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो आपको क्या करना है, डर को जीतना है तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग को डालिए। आप पूरे पॉजिटिव थिंकिंग से भरे होने चाहिए, यहाँ तक कि जो बंद घड़ी होता है ना, बंद घड़ी भी दिन में दो बार अच्छा समय बताता है, सही राइट टाइम बताता है। तो आपको क्या करना है, आज से सकारात्मक विचार करना है कि मैं बेस्ट बनूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं कुछ नया करके आऊंगा। तो आपको इस तरह से कुछ नया करना है। तो सबसे पहले आज हमने सीखा, क्या सीखा पहले? मेहनत, आपको मेहनत करना है। दूसरा दृढ़ यानी पॉजिटिव सोचना है। तीसरा, रोज़ अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहे, 1% रोज। बोलो 1% रोज, बोलो 1% रोज, 1% रोज, रोज रोज 1% रोज करना है साहब। 365 दिन में 365% आप इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आज से आपने YouTube चैनल बनाना शुरू किया, YouTube पर आज से बोलना चालू किया, 365 दिन में 365 बातें आपको समझ में आएगी, 365 फार्मूला समझ में आएगा, 365 जादू समझ में आएगा। जो भी आप जिस फील्ड में आप माहिर बनना चाहते हो उसमें एक साल में 365 चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, रोज़ 1% रोज़ आपको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है साहब, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है सफलता के लिए साहब। जैसे आपने पॉजिटिव सोच लिया है, आपने मेहनत करना शुरू कर दिया है, आपने रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया है। और चौथे नंबर पे, आज का जो चौथे नंबर का फार्मूला है साहब, आज के बाद क्या करना है आपको, हर चीज़ को लिख कर रखना है। प्लानिंग कीजिए, क्या करना है, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। नोबडी प्लान टू फेल, बट पीपल दे फेल टू प्लान। फेल होने का प्लान कोई नहीं करता है, लेकिन लोग प्लानिंग करने में ही फेल हो जाते हैं। तो आज से इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिएगा मित्रों। ये जो मैंने बातें आपको बताई, ये सफलता के सिद्धांत हैं, और भी आगे मैं आपको बातें बताते रहूँगा सफलता के सिद्धांत के। लेकिन आज से मेहनत को ऑप्शन नहीं रखना साहब, मेहनत मेन चीज़ है, मेहनत ऑप्शन नहीं है, मेन सब्जेक्ट है, मेन कोर्स है, मेहनत ऑप्शन नहीं है,
मेहनत क्या है, मेन सब्जेक्ट है हमारा, क्या है, मेन सब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिएगा, दृढ़ संकल्प के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िएगा, अपने आप को 1% रोज इम्प्रूवमेंट कीजिएगा और प्लानिंग कीजिएगा। जब तक लोग प्लानिंग नहीं करेंगे सक्सेस नहीं होंगे। तो आज से आपको प्लानिंग करना है और आगे बढ़ना है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए अगले बार नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।